अस्सलाम वालेकुम जी। पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जॉब्स आ चुकी हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, कितनी सीट्स हैं और ये किस तरह से ऑनलाइन आपने इस पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे, आपको सेम मेथड फॉलो करना है आपको कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, उसमें आप उसको फाइंड आउट करेंगे। रीड मोड पर क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। eduhelp.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम आपको रिजल्ट्स, जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आती रहती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो इन फ्यूचर आप इसी तरह से अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस किस्म के अपडेट्स मिलती रहेंगे। सो जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, इसके रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी गई है, जो भी ऑफिशियल्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन हमें मिलती गई हैं हमने उसको यहाँ पे अपडेट किया है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर और इसी तरह से जूनियर क्लर्क, पेशमाम, टेलीफोन ऑपरेटर, कुक, प्रोसेस सर्वर और CCTV सुपरवाइज़र, ये सारी सारी चीज़ें इसमें से आपने रीड आउट कर लेनी है। किस तरह से आपने अप्लाई करना है वो मेथड आपको यहाँ पे गाइड कर दिया गया है, आपने इस मेथड को फॉलो करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये वैकेंट पोजीशंस की थोड़ी सी डिटेल बता दी गई है और यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का बटन भी दे दिया गया है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे ये ऐड आएगा, इसको आपने क्लोज़ किया और उसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन अप करना है, यहाँ पर आ के आप साइन अप करेंगे, अपनी मालूमात देंगे, ठीक है, फुल नेम दिया, CNIC नंबर, सेल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ये कोड जो भी आपको शो कर रहा होगा आपने उसको यहाँ पे पुट करना है और साइन मी आप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपने उसको जो भी वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी और यहाँ से ये जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होंगी या जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रेलिवेंट एक्सपीरियंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगेगा। जैसे आप वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ से लॉगिन करने के बाद की डिटेल्स आप इस वीडियो में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो यहाँ पर भी ऐड कर दिया गया है, ठीक हो गया जी, और ये स्टेप्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्रिया।